ये है भूटान के अंदर गाइस क्लब, देख सकते हो ऐसा रहता है। कैसे हो मैम? ये है भूटान का गेट और भूटान पुलिस पूरा, और इधर हमारा सुंदर सुंदर लड़की, पैसा ही पैसा। भूटान में आके गाइस करोड़पति बन चुका हूँ मैं, अभी अमीर हुआ नहीं गाइस, भिखारी आके रेडी है सामने। इधर देख सकते हो गाइस भाई लोग क्या मजा से खेल रहे हैं भाई। हमारा सब्सक्राइबर भाई लोग गेट में पहुंच चुका है, कैसे हो भाई? दरी लग रहा है वहां का साम, ऊपर से और लड़की भी आ चुका है हमारे साथ भाई, मजा आ गया क्या भाई? ये लड़की लोग क्या कर रहे हैं जंगलों के बीच में भाई? लाइफस्टाइल फैमिली कैसे हो? बहुत ज्यादा ज्यादा Hey, what's up? दोनों लाइफस्टाइल में बिल्कुल सब लोग हम सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे रोज की तरह। सो गाइस गुड इवनिंग, इवनिंग का करीबन टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट देर बज चुका है, ठीक है। गाइस मॉर्निंग ही मतलब एक राइड में निकलने वाला था भूटान के लिए, लेकिन गाइस क्या बताऊं, मतलब बताए आप लोग, मैं लेजी राइडर हूँ, मेरा दूसरा नाम लेजी राइडर है, ठीक है। तो अभी गाइस यहाँ से निकलने वाला हूँ मेरा दोस्त, मैं सीधा भूटान तक निकल जाऊंगा। यहाँ से मेरे घर से भूटान तक मतलब एक घंटा जैसा लगता है, एक घंटा लगता भी नहीं है, थोड़ा कम ही लगता है। आज मैं सोच रहा हूँ गाइस भूटान में जो डिस्को क्लब है ना, उधर भी आज जाने का प्लानिंग है, तो देखते हैं भूटान का क्लबिंग डिस्को का मतलब एक्सपीरियंस कैसे आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा, अगर हो सके तो, ठीक है। तो चलो निकलते हैं, और बहुत दिनों के बाद इधर मेरा सिल्वर प्ले बटन एंड गोल्डन प्ले बटन। घर से गाइस जब भी बाहर जाता हूँ ना, फैल्कन के टायर में ऐसे पानी वगैरह देता हूँ, और अभी तो जा रहा हूँ इंटरनेशनल राइड करने, अभी तो पानी देना एकदम जरूरी है। तो चलो फाइनली गाइस निकलता हूँ, और बहुत दिनों के बाद आज माँ आ रहा है मेरे ब्लॉग में, और इधर तुलसी पत्ता आ चुका है, गुड लक। माँ हिंदी में कुछ हो जाए, मिल्क खाओगी? और बहुत सारा भाई लोग बोलता रहता है ना कि माँ का मतलब जो हिंदी है, हिंदी अच्छा लगता है आपको, तो माँ हिंदी में बोलो कुछ। लाइफस्टाइल फैमिली कैसे हो? बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा हो ना। देशी बाबा, माँ का गाइस क्या ही बताओ यार, माँ जब जब ब्लॉग में आता है ना, ब्लॉग का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, मजाक नहीं भाई। टाइम देखो गाइस 2 बज रहा है, ठीक है, और 2 बजे निकल रहा है भूटान के लिए, इंटरनेशनल एक कंट्री में निकल रहा हूँ गाइस, मजाक थोड़ी है भाई। फाइनली अभी गाइस हम निकलने वाला हूँ इंडिया से, सीधा भूटान तक निकलने वाला हूँ, और आगे है हमारा गाइड। हेलो भाई, हाँ दबलू भाई, कैसे हो भाई? मस्त, चलो 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 भाई मिलेंगे बाद में, भूटान जा रहा हूँ अभी, हाँ चलो चलो, उन लोगों को मिल के जाता हूँ। भाई वीडियोस देखा कि नहीं? सब देखा? चलो भाई, चलो चलो भाई लोग, हाँ मिलेंगे बाद में, हाँ चलो। देखो कितना क्यूट क्यूट हमारा फैन लोग है गाइस इधर, मजाक नहीं भाई, अच्छा लगता है गाइस जैसा यार छोटा छोटा बच्चा लोग डब्लू डब्लू बोल बोल के। फाइनली अभी हमारा दिरिंग रिवर पहुंच चुका हूँ, और ये रिवर में कैसा है पता है गाइस, ब्रिज जो है ना इधर टूटा हुआ है बाहर में, हमारे घर से भूटान भाई हार्डली 40 मिनट लगता है भाई, रास्ता अगर अच्छा रहता ना तो 25 मिनट में भूटान पहुंच जाता। इधर देखो एक टोयोटा का हाइलक्स आया है भाई, बीजी, इधर भी है बीजी। सो अभी उन लोगों का कंट्री में ही जा रहा हूँ भूटान। सो गाइस फाइनली अभी संदन भाई के घर पहुंच चुका हूँ, और संदन भाई आप लोगों को पता ही है गाइस सेकंड हैंड मतलब बाइक्स में डील करता है, तो बाइक देखो इधर 4-4 बाइक है, एक है इधर पल्सर 180 है ना, ये पल्सर 150 है, इसका कितना प्राइस? 65 मांग रहा है, तो आके बात कर लेना। उसके बाद इधर एक और एक है पल्सर 150, NS 160 है, और जिसको बाहर 135 है, ठीक है। गाइस किसी को भी सेकंड हैंड बाइक चाहिए कॉन्टेक्ट कर लेना, भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक। संदन भाई के घर से निकल चुका हूँ, और अभी जंगलों के बीच से पूरा भूटान निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से 10 या 15 मिनट लगता है ओनली भूटान बॉर्डर एकदम एंट्री करने के लिए, तो अभी हमको पगला रिवर जो है ना वो अभी क्रॉस करना पड़ेगा। आज आप लोगों को भूटान का नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ, भूटान में नाइट लाइफ कैसा रहता है, और ये फास्ट नदी अभी क्रॉस करना पड़ेगा हमको। ओहो, और इधर हमारा सुंदर सुंदर लड़की, ओहो संदन भाई का तो पूरा लड़की लोगों के साथ ही उठना बैठना है भाई, सबको पसंद आया हमारा संदन भाई। ओहो भाई ये कहाँ से लेके आया है संदन भाई? भाई ये लड़की लोग क्या कर रहा है जंगलों के बीच में भाई? खुद
भाई कैसा कैसा लोकेशन से तो लेके जा रहा है हमारा संदन भाई, हमको भाई डर ही लग रहा है वहां का साहब। ऊपर से और लड़की भी आ चुका है हमारे साथ भाई, मजा आ गया क्या। और अभी पूरा पगला रिवर पहुंच चुका हूँ और ये रिवर के अंदर से अभी हमको जाना पड़ेगा, मजाक नहीं भाई। अभी देखो असली रिवर क्रॉसिंग अभी स्टार्ट हो रहा है और गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा हीट हो रखा है माँ कसम यार। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ठीक है, ये वीडियो आप लोग जहाँ पे भी देख रहे हो, फेसबुक हो यूट्यूब हो, पूरा शेयर मार देना आप लोगों का दोस्त लोगों के साथ ठीक है भाई। तो फाइनली अभी गाइस बॉर्डर पहुंच चुका हूँ भूटान का, ये पूरा भूटान का बॉर्डर है, इस तरफ है हमारा इंडिया और एक गेट दिखाऊंगा अभी, वो गेट से उस तरफ है हमारा कामरूप जोंकर भूटान ठीक है। और गाइस उस दिन मैं फेसबुक पेज में लाइव आ रहा था ठीक है, तो भूटान का एक पुलिस थिम्फू में काम करता है, भूटान का पुलिस है ऑफिसर, तो वो मेरे से गाइस फेसबुक में बात किया था ठीक है, और वो मुझे इनवाइट किया भूटान थिम्फू में। तो अगर पुलिस वाला अंकल हेल्प किया तो थिम्फू भी जल्दी से जल्दी आने वाला हो ठीक है। पुलिस वाला अंकल बोला कि आ जाओ, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, रहने का खाने का पास वगैरह जो भी है, तो देखते भाई भूटान का लड़की लड़का क्या रिएक्शन दे रहा है सुपर बाइक के साउंड में, मजाक नहीं भाई। ओहो लड़की का रिएक्शन देख पा रहे हो गाइस, अभी आदमी लोग लौट के आ रहा है और अभी हम भूटान में घुसने वाला होगा, इस मजाक नहीं भाई। नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहा हूँ गाइस, ये है सेवेज डब्ल्यू लाइफस्टाइल गाइस, मजाक नहीं हुआ। तो अभी इधर हमारा फेल्कन को पार्क कर दिया हूँ भूटान बॉर्डर में और इधर हमारा भूटान का गेट है इधर, तो अभी आगे डॉक्यूमेंट वगैरह से जमा करके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि 6 को हमको यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। सो अभी गाइस पूरा भूटान बॉर्डर में एंट्री करने वाला हूँ विथ सुपर बाइक। ओहो भाई 3 बजे भी इतना लाइन है इधर माँ कसम भाई। हाँ हाँ, सो सब टूरिस्ट इंडिया से अभी अंदर जाने वाला है, ईमान मानो से साथ है लेट हो। अभी पता नहीं गाइस भूटान में एंट्री मिलेगा कि नहीं क्योंकि टाइम हो चुका है 3 और लाइन है भाई बहुत लंबा वाला लाइन है इधर माँ कसम। और इधर भूटान पुलिस देख सकते हो गाड़ी वगैरह क्या तो चेक कर रहा है भाई गेट में, ये है भूटान का गेट और भूटान पुलिस पूरा गाड़ी चेक कर रहा है एंट्री में, अगर कुछ मगलिंग बगलिंग कर रहा है कि नहीं, सीट भी देख रहा है भाई। तो वाह, ये वोटर आईडी जो है गाइस इधर सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद उन लोगों से एक कार्ड मिलता है ठीक है, वो कार्ड लेके आप लोग सीधा भूटान में एंट्री कर सकते हो। सो गाइस भूटान में हमारा फर्स्ट सब्सक्राइबर भाई इधर मिल चुका है, तो भाई दौड़ दौड़ के आया है मुझे मिलने के लिए, तो थैंक यू भाई ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। चलो भाई सपोर्ट करते रहना है ठीक है, तो अभी भूटान के अंदर का ब्लॉग आएगा 2-3 दिन में ठीक है। हाँ ठीक, थैंक यू भाई। और भूटान से ये कार्ड मिला है देख सकते हो, कैजुअल विजिटर कार्ड, और अगर आप लोग उधर भूटान में रहना चाहते हो ना तो 1200 रुपया पर देना पड़ता है और बाइक का एक्स्ट्रा। और इधर हमारा सब्सक्राइबर भाई लोग गेट में पहुँच चुका है, कैसे हो भाई, मस्त जबरदस्त, चलो ले लो भाई, रुको हेलमेट खोल देता हूँ। सो पूरा भूटान का गाड़ी है इधर देख सकते हो और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा। सो गाइस अभी भूटान का पेट्रोल पंप में पहुंच चुका हूँ और इधर इंडियन गूगल पे फोन पे कुछ भी काम नहीं करता है, तो अभी भूटानी पैसा एक्सचेंज करने वाला हूँ इधर भाई। पैसा देखो ना भाई, दिखाओ ना पैसा, ये देखो गाइस भूटान का पैसा देख पा रहे हो, ये भूटान का राजा का पैसा है भाई, पैसा ही पैसा, भूटान में आके गाइस करोड़पति बन चुका हूँ मैं अभी, मजाक नहीं भाई। दो भाई दो, 1000 दो, तो अभी भाई से मतलब मैं 1000 रुपया एक्सचेंज कर रहा हूँ ठीक है। हाँ सो गाइस भूटान का पैसा एक्सचेंज कर लिया हूँ इधर देख सकते हो 1000 रुपीस, और अभी यहाँ से पूरा फ्यूल डालूंगा इधर, पूरा फुल करके जाऊंगा और इधर पे फ्यूल का प्राइस अभी बहुत कम हो चुका है 67 रुपीस पर लीटर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ए बालदा अमीर हुआ नहीं गाइस, भिखारी आके रेडी है सामने देख सकते हो इधर हमारा भिखारी भाई। सो एज यू कैन सी गाइस इधर देख सकते हो आप लोग 67 है लीटर भाई। भाई भाई भी था तो इधर गाइस 1050 में टैंकी फुल हो गया 15 लीटर। गाइस देखो भूटान में मैं मतलब फेमस हो चुका हूँ अभी, भाई लोगों ने मेरा प्रीवियस जो वीडियो था ना भूटान का, सब भाई लोगों ने देखा, इधर ये भाई भी देखा और इधर हमारा ये भाई लोग भी देखा, अच्छा लगा ना। चलो चलो ठीक है, तो ये वाला वीडियो भी देखना, सपोर्ट करना भाई, अच्छा लगा यार भूटान में आके इतना फैन फॉलोइंग भाई, बहुत ज्यादा ही मजा आया माँ कसम, क्या बताओ भाई। ओ डैम गाइस क्या लग रहा है यहाँ से देखो, जस्ट चेक दिस आउट गाइस, भूटान में एंट्री करते हैं ना भाई से अलग आ चुका है।
सो गाइस पूरा भूटान के अंदर आ चुका हूँ और रोड जो है ना अच्छी तरह से बनाया, अभी पहले टूटा फूटा था ठहरा, ठीक है अभी देखो रोड। सो गाइस इधर एक स्टूपा जैसा मिला है, आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर अंदर, और इधर फोटो खींचेंगे अभी फैलकन के साथ। देखो गाइस पूरा यहाँ से फाला जैसा कुछ ऐसा फेंक रहा है, और उधर है हमारा एक पॉइंट, उधर ही मतलब लगाना है, देखो फाला फाला। इधर देख सकते हो गाइस भाई लोग क्या मजा से खेल रहे हैं भाई, इधर देखो इसको क्या बोलता है, इसको इसको खुर, हाँ ये भाई मतलब देखो इसको सीधा कर रहा है भाई, मजा से बना रहा है। हाँ 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 देखो 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 भूटान में क्या जबरदस्त वाला गेम चल रहा है इधर, और उधर पूरा देखो ये व्हाइट वाला जो है ना मार्क है ना पूरा अंदर अंदर डाल रहा है। पूरा लगा दिया भाई मिडिल। कैसे हो भाई, मस्त? आप कहाँ का, भूटान का हो क्या, कौन सा एरिया? 100 किलोमीटर? अभी तुम 100 किलोमीटर जाओगे यहाँ से, मस्त आ जाएगा। चलो भाई मिलेंगे फिर बाद में, आ चलो चलो भाई। सो ये सेम होटल पहुंच चुका हूँ, हम योजर होटल। प्रीवियस अगर भूटान वाला ब्लॉग आप लोग देखा, ये वाला सेम होटल में ही हम मतलब स्विमिंग वगैरह किया था, खाना पीना खाया था, तो सेम होटल में आया हूँ अभी। इधर खाना पीना खा के थोड़ा हम उधर पब में जाएंगे, ठीक है। हमारा राजदीप भाई एक पब मतलब पेशेंट है भाई, हमको लेके जा रहा है तो ये पी रहा है भूटान में आके लिप्टन, हम पी रहा हूँ ब्रेजर्स, ये कैनबेरी वाला, क्या ही बताया इधर है हमारा। अभी इधर खाना पीना खा लिया हूँ, और प्रीवियस ब्लॉग अगर आप लोग देखा मैम को पता ही होगा आपको, मैम आते ही बोला कि मैं तो फेमस हो गया इधर भूटान में। मैम कैसे हो, कैसे हो मैम? तो पूरा शर्मा रहा है क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग में पूरा वायरल हो गया ना भूटान का ब्लॉग, तो मैम को सब आके मतलब पूछ रहा है। हमारा बिल मान लो 1000 जैसा हो गया था, सो 50% बिल हमको मतलब माफ कर दिया, फिर 500 रुपीज ले लिया, ठीक है। ये है एक यूट्यूबर का पावर, समझ गया ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मतलब अच्छा लगता है यार ऐसे भूटान में भी भाई फेमस हो रहा है डब्लू लाइफस्टाइल, मजाक तो नहीं है भाई। सो गाइस अभी पूरा भूटान के सिटी के अंदर आ चुका हूँ, और ये भूटान का नाइट लाइफ आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। ज्यादा मतलब बारिश आ चुका है, और इधर भूटान का एक पाप था इधर, ठीक है। इधर ही हम जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन शायद अभी खुला ओपन भी नहीं हुआ होगा। सो फाइनली गाइस अभी इधर अंदर जा रहा हूँ, कितना ज़्यादा मस्त फाइव स्टार है, देख सकते हो गाइस। ये है भूटान के अंदर क्लब, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इधर पूरा गाना पीना मतलब इधर पूरा दबा के आप गाना पीना भी गा सकते हो, इधर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, देख सकते हो। और इधर बॉब मार्ली का पूरा फोटो वगैरह। सो अभी हमारा भाई जो है कस्टम इंडियन कस्टम में काम करता है भाई, अभी इधर गाना बना गाएगा। ये है भूटान के अंदर गाइस क्लब, देख सकते हो ऐसा रहता है। सो दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। इधर भूटान में देख सकते हो क्लब में, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है मतलब, और इधर हमारा भाई लोग है, और इधर हमारा संदन भाई, इधर राजदीप भाई, और इधर हमारा एक भाई इधर मिल चुका है, और भाई लोग इधर इंडियन कस्टम में काम करते हैं, तो मतलब दोस्ती हो गया। और चैनल वगैरह सब्सक्राइब मार दे भाई को, देखो किंतु ओके। सो यही है गाइस नाइट लाइफ, आप लोगों को दिखाऊंगा सोच रहा था, लेकिन इधर क्या ही दिखाऊंगा नाइट लाइफ भाई, यही है थोड़ा मोरा। गाइस भूटान का गेट से हमारा जो फोटो रेडी है वो ले लिया हूँ, और अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो। तो फाइनली गाइस भूटान से अभी निकल चुका हूँ, बाय बाय भूटान, आएंगे कभी फिर। और अभी जो रिवर था ना जाने के टाइम, वो रिवर अभी जस्ट ना क्रॉस किया, बहुत ही डरावना सीन है इधर, ठीक है। एक भी प्राणी नहीं दिखेगा आप लोगों को ये रास्ता में, बट फिर भी अभी चंदन भाई है हमारे साथ, तो डरने का कोई ऐसा बात नहीं है। इधर देखो वाटर क्रॉसिंग। सॉरी फॉर
जाने में बहुत ज़्यादा हो रहा है।